नमस्कार। ज़्यादातर लोग किस तरह की गलती करते हैं अपने बने हुए घर में? जब गली, सड़क, रोड ऊंची हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति क्या काम करता है? ऐसी गलती आपने भी तो नहीं की है? यदि आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा। तो ये मान के चलिए ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। मान लीजिए आपका घर नॉर्थ फेसिंग उत्तरमुखी है और किसी कारणवश आपकी गली, आपकी जो रोड है, आपकी जो सड़क है, वो आपके घर के लेवल से ऊंची हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका घर रोड के लेवल से नीचे चला जाता है, जिसके कारण वास्तु दोष बनता है। अब रोड के लेवल से घर तो नीचा चला गया, लेकिन होता क्या है, बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, सीवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि घर नीचा हो गया और रोड ऊंची हो गई है, तो उसमें सीवरेज सिस्टम में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और साथ ही घर के अंदर पानी आने का कारण भी बन जाते हैं बरसात के दिनों में। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, जो इस व्यक्ति के पास बजट अच्छा होता है, वो व्यक्ति अपने पूरे घर को तोड़ के दोबारा बना लेता है या पूरे घर का फ्लोर लेवल ऊंचा कर देता है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या काम करते हैं कि आगे के भाग को, फ्रंट के भाग को ऊंचा कर देते हैं और पीछे के भाग को नीचा रहने देते हैं, ताकि आगे का भाग ऊंचा कर देते हैं जिससे कि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। यदि आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, उत्तरमुखी है, और आप ऐसा काम करते हैं तो आपके यहाँ तकलीफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने घर का नॉर्थ का भाग ऊंचा करेंगे तो उससे किस तरह की तकलीफ आएगी, कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके कर्ज इतना बढ़ता चला जाएगा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी भी बिक जाएंगी तो भी कर्ज उतरने का नाम नहीं लेगा। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको अपने घर का फर्श का लेवल ऊंचा करना हो, रोड लेवल से ऊंचा करना हो, तो कंप्लीट पूरे घर का फर्श का लेवल ऊंचा करेंगे तो आपके जीवन में सुख बना रहेगा, वरना तकलीफ आने के कारण बनेंगे ही बनेंगे। मैंने खूब देखा है, मैं जब साइट विजिट पर जाता हूँ, क्योंकि पुराने घर बने हुए होते हैं उनमें भी विजिट करने का मौका मिलता है, जब उनमें विजिट करते हैं तो देखने में क्या आता है कि सड़क के लेवल में तो घर आगे का तो प्रॉपर दिखाई देता है और बैक साइड का जो घर है वो रोड लेवल से भी नीचा होता है, या आगे के हिस्से को तोड़ के नया बना लेते हैं और पीछे के हिस्से को ऐसे ही रख लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो नॉर्थ का भाग है वो ऊंचा हो जाता है फर्श के लेवल में भी और छत के लेवल में भी, और जो बैक साइड में यानी साउथ साइड में वो गड्ढा बन जाता है, नीचा हो जाता है, और उसके कारण परेशानी बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की गलती आपको कभी भी अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, अपने घर में कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई, ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है। आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर भी हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।